हेलो गाइस, बात करें धीरज धूपर और श्रद्धा आर्या को लेकर। जैसा कि आप लोग को पता होगा, करण और प्रीता के कैरेक्टर से जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही है। कुंडली भाग्य शो में नजर आई थी जोड़ी और 5 साल तक ये जोड़ी राज करती रही टीवी पर्दे पर, लगातार नंबर वन पर रही है 5 साल तक, जब तक ये जोड़ी साथ में नजर आई है तब तक। और इस जोड़ी के एग्जिट होने के बाद भी फैंस इस जोड़ी की डिमांड करते हुए नजर आते हैं, आज भी डिमांड कर रहे हैं लगातार। आपको बता दें, जोड़ी तो साथ में नजर आनी बनती ही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा धीरज धूपर न्यू प्रोजेक्ट में एंट्री कर चुके हैं, जो कि बहुत ही जल्द वो देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें श्रद्धा आर्या के बारे में, तो वो प्रीता के कैरेक्टर में एज इट इज नजर आ रही है कुंडली भाग्य शो में। सो यहाँ बात करने वाले, जिस तरीके से एग्जिट कर गए थे धीरज धूपर, उसके बाद बैक टू बैक वो कई सारे प्रोजेक्ट में नजर आए हैं, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा कि करण लूथरा के कैरेक्टर से उन्हें मिला था। सो अभी उम्मीद करी जा रही है उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर, जिस तरीके से उन्हें देखने को मिला, फैंस काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनके न्यू प्रोजेक्ट पर, उनके प्रोमो पर। सो यहाँ बात करने वाले हैं प्रीता और करण। ये इतने लंबे टाइम के बाद, काफी टाइम हो चुका है इन दोनों की जोड़ी को दूर हुए, तो कब अब ये साथ में देखने को मिलेंगे, आखिर किस तरीके से इन दोनों की जोड़ी दोबारा साथ में आ पाएगी नज़र। फैंस तो कहीं रिस्पॉन्स करते रहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी को दोबारा से ही प्रीता और करण के कैरेक्टर से नज़र आनी चाहिए, दोबारा से कुंडली भाग्य शो में इनकी एंट्री करानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जोड़ी आपको साथ में कोई भी वेब सीरीज़ के थ्रू या म्यूज़िक वीडियो के थ्रू या अदर प्रोजेक्ट के थ्रू देखने को मिल सकती है, भले वो डेली शो ना हो, लेकिन आज के टाइम पर पॉपुलर जोड़ी का नज़र आ जाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है, अगर मेकर्स चाहें तो। आप लोग की डिमांड तो बहुत ज़्यादा हाई है ही, अभी मेकर्स अगर इस बात को फ़ायदे का सौदा समझ कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों को साथ में कास्ट करके लेकर आ सकते हैं। अभी देखते हैं कि ये चीज़ कब पॉसिबल होगी। फैंस की एक्साइटमेंट है लगातार, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर कराना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।